अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहले अपनी जो आवाम है उनसे पूछा था कि क्या वजह है जो कॉमन मास है वो स्कॉलर से दूर है। उसके बाद हमने एक निशस्त शुरू की, एक और सीरीज शुरू की उलमा की तरफ से, जहाँ पे हमारे जईद और हमारे जो अकाबिर है, हमारे स्कॉलर्स है, उनसे हमने राय ली इस बारे में। तो आज जो आलिम हमारे सामने आए थे उनका नाम था मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहु। तो खालिद साहब उनका थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि मजीद क्या करना चाहते हैं। जज़ाकअल्लाह हुसैन भाई। तो सबसे पहले आज जो जिनसे हमने मुलाकात की उनका थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूँ। हजरत मौलाना अरशद साहब जो है बतौर मारूफ मुबलिक व दाई दीन, आप हाफिज़ भी है कुरान करीम के, और इसके अलावा जमीयत उलमाए अहले सुन्नत जम्मू व कश्मीर के आप रुकनी शोरा है, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के आप प्रेजिडेंट हैं जमीयत के हवाले से, और इसके अलावा आप फाउंडर है अल नूर ट्रस्ट श्रीनगर के। तो उन्होंने यूथ के लिए ख़ास पैगाम हमें दिया जो हम आपके सामने इंशाल्लाह पेश करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस दुनिया के अंदर हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया का रोज़ बरोज़ हाल जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। अखलाकी एतबार से बिगाड़ है, इंसानियत के एतबार से आज इंसानियत शर्मसार है जो कुछ इंसानों से वजूद में आ रहा है। इन हालात के अंदर हर एक सोचता है कि क्या किया जाए। इसमें ख़ास तौर से मुसलमान नौजवान जो है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ पड़ती है कि हर ज़माने में इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की खैरख्वाही के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए नौजवानों से अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा काम लिया है। अगर आज का नौजवान भी खड़ा हो और अपनी नौजवानी को बेदाग रखते हुए, अपनी नौजवानी को बचाते हुए, अपनी नौजवानी की कदर करते हुए खड़ा हो जाए और इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की बहबूदी के लिए, इंसानियत की खैरख्वाही के लिए काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। वरना कुरान के अल्फाज में ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون कि बर व बहर, समंदर और खुश्की, ये दोनों फितना व फसाद से भरे हुए हैं। ظهر الفساد في البر والبحر कुरान कहता है कि पानी भी नहीं बचा है और खुश्की भी नहीं बची है, कि इंसानों के आमाल का नतीजा जो है वो इंसान ख़ुद अपनी आँखों से देख रहा है कि इंसानियत आपस में लड़ रही है, इंसानियत तबाह हो रही है। और ये क्यों है? कुरान साफ कहता है कि ये इंसानों की बदअमली का नतीजा है, और ये जो तबाही इंसान देख रहा है, अल्लाह ताला ये कहते हैं इस तबाही को हम इसलिए तुम्हें दिखा रहे हैं ताकि तुम वापस अल्लाह की तरफ लौट आओ। क्योंकि दुनिया की तबाही अपनी जगह, लेकिन आखिरत की तबाही जो है, अगर आखिरत की तबाही के अंदर इंसान फंस गया तो उस तबाही से इंसान को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़हनी सलाहियतें दी है, जो जिस्मानी क़ुव्वत व ताकत दी है, अल्लाह तबारक व तआला एक जगह कहते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ थुम्म जअला मिन बादी ज़ौफिन क़ुव्वा थुम्म जअला मिन बादी क़ुव्वतिन ज़ौफन व शैबा। अल्लाह ने तुमको कमज़ोर पैदा किया है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर माँ बाप की देखभाल न हो बच्चे को, तो उस बच्चे का कोई पुरसान हाल नहीं हो सकता, वो बच्चा जो है ख़त्म हो सकता है अगर माँ बाप उसकी देखभाल न करें। लेकिन इस स्टेज के बाद, इस मरहले के बाद, फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको ताकत व तवानाई अता करते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ थुम्म जअला मिन बादी ज़ौफिन क़ुव्वा, कि कमज़ोरी के बाद अल्लाह उसको ताकत देते हैं। तो ये जो ताकत का ज़माना है, ये जवानी का ज़माना है, ये इंसान की ज़िंदगी का ये बहुत ही ज़्यादा उरूज का ज़माना होता है। लेकिन इस ताकत के ऊपर भी फिर जवाल आता है, फिर मजअला मिन बादी क़ुव्वतिन ज़ौफा, ताकत के मिलने के बाद फिर इंसान के कुवा कमज़ोर होना शुरू होते हैं, इंसान फिर कमज़ोरी की तरफ जाता है, और कमज़ोरी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कहा कि इसके ऊपर बुढ़ापा भी तारी होता है। अब ये भूलना शुरू होता है, अब इसको याद नहीं रहता कि मैंने खाया कि नहीं, मैंने आराम किया कि नहीं, मैंने ये बात की कि नहीं, वो भूल जाता है।
تو یہ جو جوانی کی ایام ہیں یہ بڑے قیمتی ایام ہیں، اگر اس میں مسلم نوجوان کھڑے ہوں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے عام انسانوں کی بھلائی کے لیے، عام انسانوں کی بہتری کے لیے کوششیں کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو ناکام نہیں کرے گا۔ اور علامہ اقبال کی آواز میں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر جوانوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، وہ معاشروں کو تبدیل کر سکتے ہیں، سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں، صرف ویل پاور کی ضرورت ہے، قوت ارادی کی ضرورت ہے، اگر ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ایک انسان کی بہتری کے لیے، ایک انسان کی بھلائی کے لیے ہم کام کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سیریز چلتی رہے گی، جس میں ہم باقی جو ہمارے عالم ہیں، اکابر ہیں، ان سے بھی اس چیز میں رائے لیں گے۔ اور ان ویڈیوز کا یہی مقصد ہے کہ جو مسکنسپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ کامن ماس کے درمیان ہے ریگارڈنگ اسکالرس، وہ دور ہو اور ہم ان کو آپس میں جوڑے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ جڑتے رہیے اور جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز جو ہے باقیوں تک بھی پہنچے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم باقی علماء جو ہمارے اکابر ہیں، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث سے ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی سے ہو، چاہے وہ باقی جو ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے ہو، ہر کسی شعبے کے عالم جو ہے ان سے ہم کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی، اور آپ کے سامنے ایک جو تصور پیدا ہوا ہے یا ہمارے کامن ماس کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ریگارڈنگ اسکالرس، ان کو ہم چاہیں گے وہ زیادہ سے زیادہ دور ہو اور جو ہمارا کامن ماس ہے وہ ہمارے عالموں کے ساتھ جڑے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور جو ہمارا یوٹیوب لنک دیا ہوا ہے اس پہ بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ آواز باقیوں تک بھی پہنچے، اور باقی آپ جڑے رہیے اور اپنی سجیشنز دیتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔